में गठबंधन प्रत्याशी नवल किशोर साख के ने जनसंपर्क किया। फरुखाबाद में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने किया जनसंपर्क। ब्लॉक कमालगंज में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का हुआ जोरदार स्वागत। भोजपुर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुकी अर्चना सिंह राठौर, उन्होंने भोजपुर विधानसभा के राजीपुर में पूर्व कमालगंज में इंडिया प्रत्याशी नवल किशोर के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख राशि जमाल सिद्दीकी उनके साथ मौजूद रहे। यहां भाजपा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रैली की थी। वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने जनसंपर्क किया। कमालगंज में उनका जोरदार स्वागत किया गया। अभिषेक कटियार, फरुखाबाद, समाचार 24। प्रचार में भोजपुर में पहुंची है तो हम ये जानना चाहेंगे कि सभी गठबंधन प्रत्याशियों के पदाधिकारी हैं या इस जनसंपर्क का सीधा सीधा क्या कार्यक्रम है? आज आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन आज एनडीए से बहुत ऊपर है और इसी को मद्देनजर रखते हुए लगभग हमारे सभी, आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी से हैं आप, पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, मैं कांग्रेस से हूँ और हमारे सभी लोग प्रॉपर एक साथ सब चल रहे हैं और संघीय शक्ति कलयुग है। और इसी के साथ इससे पहले चूँकि मैं मैनपुरी की प्रभारी थी तो मैनपुरी में जब कार्यक्रम खत्म हुआ उसके बाद फिर मैं बदायूं गई। बदायूं प्रचार करने के बाद अब मैं पूरे चार दिन लगातार यहाँ रहूँगी और उसके बाद फिर रायबरेली। तो कंटिन्यू हमारे हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारे गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता ने कसम खाई है कि जब तक किसी एनडीए सरकार को उखाड़ के फेंक नहीं देंगे तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। बोले इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया। पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, आप भी अपनी सक्रिय भूमिका अपने लोकसभा क्षेत्र में दिखा रहे हैं। आज भी इतनी कड़ी धूप में आप बॉर्डर पे लगे हुए, कन्नौज और फरुखाबाद के बॉर्डर पे, तो आप भी कुछ हमारे चैनल के माध्यम से प्रत्याशी के लिए क्या अपील करने हैं? देखिए, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात जो है, हमारे सभी गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, मैं सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जो प्रमुखता से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो गठबंधन यहाँ पे बनाया है, जितनी मजबूती से खड़ा किया, उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है और जो टिकट उन्होंने जिस तरीके से दी है, पीडीए का जो नारा दिया है उस पीडीए के हिसाब से जो हमारे यहाँ पे टिकट वितरण किया उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में, बहुत ही काबिले तारीफ है। और उसी क्रम में हमारे यहाँ से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी को टिकट मिला है, हर आदमी बहुत खुश है। डॉक्टर साहब की एक अपनी छवि है और हम लोग फरुखाबाद के लोग साफ सुथरी छवि के लोगों को पसंद भी करते हैं। और ये हमारी कोशिश रहेगी कि चूंकि इस बार कहीं पे कोई मतभेद किसी प्रकार के किसी से है नहीं, तो पूरा वोट, एक एक वोट समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल के बटन पे दब के डॉक्टर नवल किशोर जी के पक्ष में जाएगा और भोजपुर विधानसभा से बहुत अधिक वोटों से वो जीत के जाएंगे। हम आज आपको भी भोजपुर विधानसभा में देख रहे हैं जो कि कन्नौज सीमा से लगा हुआ इलाका है। आप भी कुछ इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे? जिस तरह इंडिया गठबंधन की बात की जाए, अकेला ये नहीं कि आप जो है थोड़ा बहुत, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी एक प्रमुख सहयोगी के तौर पे है। जिस तरह से दिल्ली में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे भारत में चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय संजय सिंह जी जन जगह जगह जनसभा कर रहे हैं, उसी प्रकार फरुखाबाद में हम लोग कोऑर्डिनेट करके प्रत्येक विधानसभा स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, प्लस आपका पूरे जिले में सभी पार्टियां जो हमारे साथ गठबंधन में है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, साथ में कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, आम आदमी पार्टी, सब मिलकर के एक साथ प्रचार करवा रहे हैं। और उम्मीद है कि पूरे देश की जनता इस तानाशाह सरकार को, जिसने संविधान को खत्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। और फरुखाबाद, यहाँ से हमने पहले ही कहा था कि लगभग 4 लाख वोटों से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर साक जी चुनाव जीतेंगे और उम्मीद है जिस तरह से इंडिया गठबंधन के लोगों का हौसला है और जनता का जो रुझान है, जनता आज अपने दम पे चुनाव लड़ रही है और पूरी तौर से इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। कल योगी जी कहकर के गए हैं,
कि हम 7 तारीख चुनाव करेंगे, लेकिन फर्रुखाबाद की जनता 13 तारीख को इंडिया गठबंधन के चुनाव वोट करेगी और वोट करने के बाद इनको समूल नष्ट करने का काम करेगी। फर्रुखाबाद एक रिकॉर्ड स्थिति में आएगा और पूरे उत्तर प्रदेश में भारत में रिकॉर्ड स्थापित करेगा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी की बहुत बड़ी जीत होगी, इंडिया गठबंधन की जीत होगी, समाजवादी पार्टी की जीत होगी। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। फिरोजाबाद में मतदान के दिन सड़क